जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपका हाल ही में देखे हैं कि UPSI का भी नोटिफिकेशन आ गया है गोपनीय पद पर, लेखा पद पर, यानी कि जो टाइपिंग करना जानते हो, वो लेवल करना किए हो, उनके लिए परीक्षा आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और हमारा जो चल रहा था मैथ में जो चल रहा था दोस्तों, वो था मैथ में आपका प्रतिशत। तो आपसे मैं स्टार्टिंग करने से पहले यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी एग्जाम में अगर देने जाओ, एग्जाम देने या कोई भी परीक्षा आती है, तो पहले उसका नोटिफिकेशन देख लिया करो दोस्तों, उसमें क्या चाहिए। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, समझो आप सब कुछ कर लेते हो। तो हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे और आपको लेकर चलेंगे आपके मैथ की क्लास की तरफ, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में इतना मशगूल हो जाए, किसी दूसरे के सोचने में समय ही ना ले। और पहली बात, आज अगर टाइम अगर आप अपने लिए नहीं निकालोगे दोस्तों, तो कभी नहीं निकाल पाओगे। चलो ज्यादातर समय इस पर नहीं व्यतीत करेंगे, सभी लोग आज के डेट में जानकार हो चुके हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जो प्रतिशत में। देखो प्रतिशत में अगर सवाल इस तरह है कि अगर कोई कम दे दिया रहे, कोई संख्या अगर कम दे दी रहे और अधिक के बारे में पूछे, क्या करें, कम दी रहे कहे कितना परसेंट कम रहता है, तो उसमें अगर अधिक के परसेंट पूछे, तो आप इस सूत्र का यूज करना दोस्तों, वृद्धि पूछे या अधिकता पूछे। तो अधिकता जब भी ये पूछे कि कितने परसेंट की अधिकता है, कमी हो गई, तब करना क्या, जो कमी दिया रहेगा ना अगुणे 100, अब बटा में करना क्या कि 100 में से कमी को घटाकर उसका आंसर कर देंगे। ध्यान देना, आपको जब भी निकालना हो, अगर कमी दिया रहे दोस्तों, आप सवाल में इस सूत्र का प्रयोग करना और आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ध्यान बस ये देना है कि क्या पूछा है, यदि कमी दिया रहे और अधिकता पूछे तो इसका आप प्रयोग करेंगे। जैसे सवाल इस प्रकार है, आवाज देख लीजिएगा मेरी क्लियर है ना। देखिए सवाल है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब क्वेश्चन में मैंने बताया था इसके पिछले क्लास में कि उस तरह अगर बेस से निकालना चाहें तो बेस से भी निकाल सकते हैं, और ये ट्रिकली आपका है, जो ट्रिक से अगर निकालते हैं कि अगर 10% कम है और अधिकता पूछे, तो सीधा आप सूत्र में रख दो। सूत्र में देखो मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, पहला का सॉल्व रिलेशन जो है, पहला सॉल्व रिलेशन देखो क्या पूछा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब प्रतिशत अधिक का पूछे, कमी कितना है, कमी मैंने लिखा है कमी 10 की अगुणे 100, कितने परसेंट की कमी थी 10% की, फिर मैंने लिखा 100 माइनस कमी, तो 100 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 90 आ गया, 0 से 0 कट गया, अर्थात कितने प्रतिशत की अधिकता हो जाएगी। अधिकता हमसे पूछा है, तो अधिकता परसेंटेज जब पूछता है तो हम देखो यहाँ 100 बटा में कितना आ गया 9, और 100 में 9 का जब भाग देंगे, देखो 9 एक कम 9, फिर 10 बजे 9 एक कम 9, यानी कि 1/11 से 1/9% की क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से दूसरा भी सवाल दिया आपको, दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखो दोस्तों यहाँ पर, कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। अब घटने को कहे या कम को कहे या कमी को कहे, एक चीज ध्यान देखना, जब भी आप तीन पॉइंट का यूज करेगा, कमी घटना या कहेगा आपका कम, तो और इसमें क्या रहेगा, या तो पूछेगा कि अधिकता या बढ़ गया या तो अधिक हो गया, ऐसे देगा। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने का मैं तरीका आपको बता दिया, अब चाहे तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ध्यान देखना सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ध्यान देखना। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का जो सॉल्व रिलेशंस करेंगे, इसमें भी क्या पूछा है आपका कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, मतलब अधिकता पूछा है पुनः। जब अधिकता पूछे, अधिकता परसेंटेज, करना क्या, जो चीनी का मूल्य घट गया, घट गया मतलब कमी हो गई, अगुणे 100, और कितने कमी हुई 20 की, तो 100 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 80, 20 चौको 80, 25 चौको 100, कितने परसेंट की अधिकता करनी पड़ेगी 25%। इसी प्रकार तीसरा का जब सॉल्व रिलेशन करोगे, तो जब तीसरा क्या कर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम हो गया, देखो यहां कम कह दिया ना,
यहाँ घट गया कर दिया था, यहाँ कम कर गया था, अब 20% कम हो गया। तो जब अधिकता पूछेगा तो अधिकता के लिए मैंने क्या बताया कि अधिकता के लिए क्या करना है, जो कमी है उसको लिखना, फिर पूरे 100 कर देना, जितना कम होगा 100 में से घटाकर नीचे लिख देना, कितने परसेंट, 20% कम हो गया, यानी कि आंसर यही आपका आएगा। देखो सेम आ गया कि नहीं, 20 चौक को 100, 20 25 25 चौक को 100, यानी 25% की अधिकता होगा। आपको बस ये ध्यान देना है दोस्तों कि सवाल का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होगा, लेकिन सवाल लगाने का तरीका सेम ही होगा। देखो अब चौथा क्या कर रहा है, चौथा जब लगाओगे दोस्तों तो चौथा क्या कर रहा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, कितना कम है, 50%। यहाँ पर अधिकता जब कम दिया तो जाहिर से जानना का अधिकता पूछेगा, तो अधिकता परसेंट बढ़ा और कितने कम है, 50 गुणे 100, इन करना होगा। अब बटा में 50, क्योंकि 100 में से 50 जाएगा तो 50, 50 से 50 कट गया, तो इसका आंसर कितना गया, 100% उसे बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा, करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है, तो 100% ऊंचा है। लास्ट वाला सवाल आप लोग लगाइए दोस्तों, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल में यह है आपका, पांचवा सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि देखो यहाँ पर दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है, इसमें क्या कर दिया, कम कर दिया, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त, गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त मतलब अधिकता कितनी हो, जब अधिकता पूछेगा यानी कि शुद्ध शुद्ध पूछेगा तो अधिकता पूछेगा कितना परसेंट बढ़ाएंगे तभी तो शुद्ध शुद्ध प्राप्त होगा, कब परसेंट, 30% गुणे 100, अब कितना 100 में से अगर 30 कम हो गया तो बचा कितना, 70, 70 लिख देंगे। अभी सूत्र यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो 0 से 0 कट गया, ऊपर 300/7, 300 का भाग जब 7 में भाग देंगे, और 300 में 7 का भाग देंगे, देखो 7 चौक 28 बचेगा 2, 0 उतार देंगे, 7 × 14 बचा कितना, 6, यानी कि हमारा कितना आंसर हो गया, 42 सही 6/7% ये अधिकता। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगर आपका क्या करे कमी दे रहे तो क्या करेंगे, इस तरह आप लोग लगाएंगे दोस्तों, बात समझ रहे हो, अगर इसी प्रकार अधिकता दिया रहे तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं अधिकता वाले पर सवाल पर, चलिए ये देखिए अधिकता वाला सवाल है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल ये है, और फिर पुनः स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैं आपका ये जिस प्रकार दे दे सवाल, देखिए इस सवालों को लगाइए आप लोग, सवाल में बस ये है दोस्तों कभी आपने क्या देखा कि कमी देखा, अब क्या अधिकता देखेंगे, अधिकता में होता क्या देखना, ध्यान से जब आपको अधिक दिया रहा है तो कमी पूछता है, जब आपको कमी प्रतिशत पूछता है तो आप कमी पूछे, ठीक है, दिखाया गया, या कम कर दिया जाए कितने प्रतिशत कम ही या कम कर दिया जाए, तो आपको इसको निकालने के लिए दोस्तों ध्यान देखना, जो अधिक है ना अधिक को लिखना आपका अधिक, अब गुणे 100, अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा 100+ अधिक%, जब अधिक को इसमें आप करेंगे इस चित्र का प्रयोग आप लोग दोस्तों करेंगे, देखना सवाल में जब आए तो करना क्या, अगर सवाल ऐसे आपका जैसे दे दिए कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, जब अधिक वाला क्वेश्चन दिखे ध्यान देखना, बस इस तरह अगर दिख जाए तो समझना वो कम को पूछ रहा है, जब अधिक वाला देखे दोस्तों तो आपको हमेशा इसी सूत्र पर लगाने की कोशिश करना। आपको मैंने कल के बेसिक जैसे बताया था कि आप ट्रू कैसे लगा सकते हैं, इस पर भी देख लीजिए, जैसे दे दे कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, जब अधिक दिया रहे तो कम पूछे, तब दोस्तों सीधा देखो ऐसे लगाना, जैसे छठवां सवाल आपका दिया है, छठवां सवाल का सॉल्वेशन देखो बताता हूँ, इसी तरह सब लग जाएगा, तो कह रहे हैं कि जब कमी पूछे कितने परसेंट कम कर दिया जाए, तो करना क्या, कितने परसेंट अधिक है, 20% 20 रख देना, गुणे क्या कर देना 100, और जो अधिक रहेगा जैसे 100 है, 100 में कितने परसेंट के अधिक हो गया 20, तो 100 में जब 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, मतलब 120 ये होगा। अब इसे काट कर लगाएंगे तो हमारा कमी को दर्शाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर जैसे 0 0 कट गया, 6 × 12 कट गया ना, देखो यहाँ 50 × 100, 3 × 6 कितना गया, यानी कि 16 सही 2/3%, आप इसे हल करेंगे 16 सही 2/3%,
इसी तरह सातवां जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कमी परसेंटेज पूछेगा, कमी निकालने के लिए इसी तरह निकालेंगे तो क्या करा, खाद सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। जब बढ़ गया तो मतलब आप पूछेगा कम कितना किया जाए, तो उपभोक्ता खाद सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। जब खर्च न बढ़े तो जब खर्च न बढ़े मतलब उसका करने मतलब कितना कम कर दे, तो कितना देखो यहाँ पर कितना बढ़ाया था 10 × 100, अब बढ़ाया कितना 10% ना, तो कम करना था तो घटाते थे, जब बढ़ाएगा तो जोड़ेंगे, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 110। देखो 0 से 0 कट गया, इसमें जब 11 का भाग इसमें 11 × 99 और 1/11%, ये इसका आंसर हो गया। यानी कितने परसेंट कम कर पर बेचना पड़ेगा, 9 सही 1/11%। इसी तरह आठवां सवाल देखो दोस्तों, जब आठवां सवाल देखोगे दोस्तों तो आठवां सवाल भी इसी तरह लगाना है आपको, पढ़ो अब कम परसेंटेज जब निकालोगे तो कह रहा है उस सवाल को पढ़ते पहले, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, जब अधिक दिया रहेगा दोस्तों तो समझना उसे कम में निकालना है, तो जब अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो, तो कम में भी निकालना है तो कितने परसेंट, देखो यहाँ कितना 25%, तो 25 × 100 अब बटा में 100% में बेचा जा रहा था, 25% बढ़ा दिया कितना हो गया 125, 25 × 4 = 125, देखो 5 × 20 यानी कितने परसेंट 20% कम पर बेचा जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार नौवां दसवां आप लोग लगा लेंगे, मैं छोड़ दूं कि बता दूं, लगाओ आप लोग तुरंत, अब मिला लो किसका आपका सही है कितने लोग का गलत है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, चलो लगाओ आपका नौवां और दसवां लगाना है आपको। देखो नौवां सवाल क्या कर रहा है आपका कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को लाभ और हानि पर असर नहीं पड़ेगा। जब लाभ और हानि पर असर नहीं पड़ेगा तो मतलब कम करना पड़ेगा, तो कम परसेंटेज निकालने के लिए कितने परसेंट बढ़ाया है 15% × 100, और जब प्रतिशत अधिक में दिया रहे तो 100 जोड़ देते हैं तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना जगह 115। देखो यहाँ पर कटाते हैं तो देखो यहाँ से कटाए, देखो 20 × 5 = 100, 23 × 5 कितना हो जाता है 23 × 5 = 115, देखो इसे 15 × 30 यानी कि 300/23, और जब 300 में 23 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना जाएगा 1 बार जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 7 0, फिर 3 बार जाएगा 69 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, यानी कितना सही 13 सही 1/23% क्या हो जाएगी कमी करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे सवाल देखो दोस्तों है कुछ, ये लड़के क्या करते हैं जल्दबाजी में गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करोगे, अगर कम दिया रहेगा तो अधिक वाला निकालना होगा और अधिक दिया रहेगा तो कम वाला निकालना होगा। देखो इसी प्रकार दसवां सवाल आपका है दोस्तों, दसवां सवाल आपको लगा लेना चाहिए, आपको बताइए लगा लेना चाहिए कि नहीं लगा लेना चाहिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे आते हैं तो कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया तो मतलब कम करने की बात करेगा, जब दसवां कम करने की बात करेगा तो कम परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या बताया अधिक × 100, अधिक कितना बढ़ाया 20 लिख दो × 100, और जब 20% बढ़ा गया मतलब 100 था तो 20% बढ़ा देगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120। अब इसे हल कर लो, जब इसे हल करोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ देखो 2 × 6 = 12 हो गया, यहाँ आप काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, अब 50 में 3 का भाग देंगे 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा कम करना। आप ये बताओ दोस्तों अगर कम और अधिक परसेंटेज वाले सवाल आएंगे तो क्या बताओ आप लोग नहीं लगा पाओगे, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग क्या करोगे लगा लोगे। बात समझ में आई दोस्तों, चलो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये है आपके, और अभी तक तो हमने देखा कि वृद्धि दिया था, अधिकता दिया था, कमी दिया था या कम दिया था, लेकिन अब ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों जिसमें वृद्धि और कमी दोनों दिया रहे, तब उसके लाभ में यानी व्यापार में आय में उसमें क्या लाभ होगी क्या हानि होगी, ऐसे सवाल जब आते हैं दोस्तों तो कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से। जैसे में अगर इस प्रकार क्वेश्चन है तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, और ट्रिक का प्रयोग हमेशा करेंगे आपका सही होगा। जैसे में ये ट्रिक आपका ये है, देखो यहाँ पर जब आपको लाभ और हानि दे दिया रहे तब इसको याद करो, ध्यान देखना
आपका परसेंटेज भी आपका अगर देखो यहाँ पे जब निकालना होगा तो प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बटा में 100 इसका प्रयोग आप करेंगे। दोस्तों मैं बता रहा हूं क्या करना कि इसका कब प्रयोग करेंगे, जब आपका कमी दिया रहेगा या कम दिया रहेगा या घट जाता है दिया रहेगा इसमें माइनस का प्रयोग करेंगे, जब आपका वृद्धि दिया रहेगा अधिकता दिया रहेगा अधिक दिया रहेगा या बढ़ जाता दिया रहेगा तो वहां पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे। और जैसे जैसे वैल्यू रखे जाएंगे अगर प्लस आएगा, देखिए ध्यान रखना, अगर प्लस आएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या इसी में हानि भी दे दिया रहे, हानि मैं लिख देता हूं, या लाभ दे दिया रहे तो आपका लाभ दिया रहेगा प्लस, हानि दिया रहेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों बात समझना है, दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप एग्जाम में गलती करोगे ही नहीं करोगे। देखो सवाल क्या है, ग्रामा सवाल, ग्रामा सवाल कहता क्या कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, मतलब दोनों बार बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब दोनों बढ़ेंगे दोस्तों तो हमेशा जानते हैं कि वृद्धि ही होगी, तो जब वृद्धि निकालेंगे परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज वृद्धि जब निकालोगे दोस्तों तो देखो पहले कितने परसेंट का लाभ, 10, तो यानी कि प्लस 10, अब प्लस कितने दिनों बाद 20% बढ़ा, फिर 20 अब प्लस, यानी दोनों वृद्धि है तो यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ पर 10 × 20/100। अब इसे कटाओ, देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 × 20 कितना जाएगा 30, यहां से काटेंगे 2 × 1 = 2, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 32% वृद्धि हो गई, यानी कि पहले का जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, 32% आ गया दोस्तों, वृद्धि हो गई। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर आप लगाते हैं, बराबर सवाल आपसे ये कर रहा है दोस्तों कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, जब घटाने की बात आएगा तो मैंने बताया माइनस वाले चिन्ह को लेकर चलेंगे, और पुनः 5% घटाया, अगर घटा रहा है पुनः तो फिर माइनस वाले चिन्ह को लेकर चलेंगे। लेकिन लड़के यहीं पर थोड़ा सा गलत करते हैं और वो गलती आप नहीं करोगे दोस्तों। गलती क्या करते हैं ध्यान समझना, मैं जो बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखना। इसको क्या करना, इसको मान लेते हैं एक पॉइंट, देखो मैं बता रहा हूं जो उस पर लगा लेना, इसको बस प्लस में रहने देता हूं, एक प्रकार से मैं बता रहा हूं इधर प्लस माइनस करना, लेकिन इसको प्लस ही रहने देना, और जब सवाल में आओगे तो इस कंडीशन कभी भी आप गलत नहीं करोगे। क्यों नहीं गलत करोगे, देखो यहां पर जब कमी या वृद्धि नहीं निकालना हमें पता नहीं है, तब दोनों बार जब कमी हुआ तो ऑलरेडी पता है कि कमी ही होगा, पहले 15% कमी हुआ तो -15, ठीक, फिर माइनस कितने परसेंट कमी, 5% कमी तो -5, आप देखो प्लस मैंने कहा यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, आज देखो यहां पर पहले कितना -15 अगुणे अब -5 अब बटा में 100, ठीक देखना ध्यान से, मैं माइनस से भी है माइनस से भी है, तो -20 हो गया, यहां पर प्लस है प्लस, देखो माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस गुणा प्लस, अब प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और देखो 20 × 5 = 100 हो गया, ध्यान समझना। मैं चाहता था यहीं पर भी आपको बता देता, देखो यहीं पर बता दे रहा हूं, अगर आपका ऐसा अगर कंडीशन जब भी दिया रहे, देखो यहां पर 2 0 है ना, 15 × 5 = 75 हो गया, हो गया कि नहीं, 15 × 5 = 75 होगा, 15 × 5 = 75 / 100, और 100 का मतलब क्या होता है -20, इसका मतलब 0.75, इसको जब घटाओगे तो दोस्तों 19.25 आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, अब माइनस यह दर्शाता है कि कितने परसेंट की कमी हो गई, इतने परसेंट की कमी हो गई, यानी कि आंसर हमारा इस तरह आएगा 19.25% की हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। आप अगला सवाल लगाओ दोस्तों, इसी प्रकार आप इसको भी लगाओ, 13वां सवाल को भी सेम कंडीशन, कोई भी अलग नहीं। देखो यहां पर मैं 13वां सवाल आपको बताता हूं, अब तो आइडिया समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, देखो यहां पर 13वां सवाल क्या है, हमें प्लस माइनस लास्ट में भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस आएगा तो कमी होगी, प्लस आएगा तो वृद्धि होगी। आपका कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, चलो प्लस 20 हो गया, ठीक बढ़ने की बात आएगी तो प्लस, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, जब घटने की बात आएगी तो माइनस,
ठीक। अब यहाँ पर प्लस हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले 20% बढ़ी फिर क्या घटी, तो -10 अब बटा में 100। देखो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, अब देखो प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, अब देखो जो कटता है 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस माइनस गुणा किए तो माइनस, और 2 1 कम तो यानी कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा, तो 8% की वृद्धि होगी। अगर प्लस आएगा पहलू तो हमारा आंसर वृद्धि में होगा, माइनस आएगा तो वो कमी में होगा। बात समझे दोस्तों? इसी प्रकार 14वां सवाल लगाओ, 13वां सवाल लगा लिए, अब 14वां सवाल आप लोग लगाओ। जब 14वां सवाल लगाओगे दोस्तों तो यहाँ देखो 14वां सवाल को लगाएंगे आप लोग, 14 नंबर का सवाल आप लोग लगाइए दोस्तों। देखो 14 नंबर का सवाल क्या कहता है, सेम कंडीशन मैं आपका इसलिए रख दिया हूं सवालों को कि आप कहीं भी गलती ना करें दोस्तों, आपको गलती नहीं करना, एग्जाम में पूरा एकदम सही सही करना है दोस्तों, गलती करेगी दिक्कत बढ़ेगी, हमें गलती नहीं करनी है। तो कह रहे हैं बाजार मंद रहने के कारण राम के 10% घटी, जब घटी तो -10, सीधी सी बात, परंतु कुछ ही दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, मतलब बढ़ी तो मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस ही रख दो, मैंने बताया पहले -10 था फिर +15 अब बटा में 100। ठीक, जो कटता है कटाते हैं, जो नहीं कटेगा उसे रख देंगे। देखो माइनस बढ़ाए प्लस, प्लस बढ़ाए तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, अब प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ कटता है देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 10 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा कि नहीं, 15 का भाग जब 10 में देंगे तो 1.5 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3.5% प्लस में आया, तो हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। पूछ रहा है पर कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो 3.5% की वृद्धि का परिवर्तन हुआ। बात क्लियर है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो आपको मिलती रहे, और प्लेलिस्ट से जाकर पूरे वीडियो आप देख सकते हैं पिछली क्लास का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 15वां सवाल भी इसी तरह लगाएंगे, 15 हो गया, 16 हो गया, आप देखना कुछ में ऐसी कंडीशन होती है जब एग्जाम में गलती करते हैं लड़के, लेकिन आपको मैं गलत होने नहीं दूंगा। देखो पहले क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक, फिर 15% की कमी, कमी का मतलब माइनस। अब मैंने कहा प्लस माइनस है तो प्लस यहां पर रहने, तो यहां पर देखो प्लस है, यहां पर -15 आ गया बटा में 100, यही है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है तो घटाओगे कितना जाएगा 10, अब प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस, यहाँ देखो 25 चौक को 100 हो गया, 15 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखो यहाँ पर 4 3 12, 3 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 7 28 बटे में 2 फिर जो 5, यानी कितना आएगा 3.75 आ गया। जब 10 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10.25 यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 3 जगह तो 6, आई प्लस में आया तो कितना क्या होगा वृद्धि होगी, प्लस में आएगी तो वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी वृद्धि। अब 16वां तो आप लोग अपने से लगा लिए होंगे, कितने लोग का आंसर भी आ गया होगा दोस्तों, और देख लिया जाता है कितने लोग का सही है कितने लोग का गलत है। 16वां कंडीशन हम पहुंचते हैं 16वां सवाल पर, तो 16वां सवाल क्या कर रहा है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, जब ठगेगा आगे बताए उसे लाभ होगा कि नहीं होगा, ठगने का मतलब ये हुआ ना कि अपने आप को लाभ लेना चाहता है तो मतलब ये लाभ, फिर और उसे बेचते समय 5% ठगता है, मतलब खरीदा तब 10% का लाभ लिया और बेचा तब भी 5% ठग दिया, मतलब दोनों स्थिति में जब ठगने की बात आएगी तो वो लाभ ले रहा है, तो जब लाभ ले रहा है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10 अब +5 अब +10 गुणे 5 अब बटा में 100, 10 5 15, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ये वैल्यू आ जाएगी कितना 0.5, और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 15.5% की वृद्धि होगी। बात समझ में आई दोस्तों? अगर ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या आप नहीं कर पाओगे, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चन आराम से कर लोगे दोस्तों।
बात समझ में आई दोस्तों। चलो आगे सवाल का कंडीशन इसी पर आधारित होता है, लड़के गलती करते हैं, लेकिन मैं आपके इसी पर आधारित सवाल आगे के बताता हूँ, और देखिए आप कैसे एकदम लगाते हो दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे सवाल दोस्तों। ये देखिए अगला सवाल आपका, देखिए दोस्तों उसी पर दो बीमी सवाल जब आते हैं तो उसको कैसे लगाते हैं। दो बीमी का मतलब एक प्रकार से जान जाना कि इसमें क्या होगा, लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा और क्या होगा उसका क्षेत्रफल में पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि दो बीमी होता कौन कौन है। दो बीमी जो आकृति होती है, दो बीमी आकृति, टू डायमेंशन आकृति, इसमें हमेशा जो अभी मैंने बताया ना उसी नियम का फॉलो करते हैं। दो बीमी आकृति में हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में सौ। ये प्लस माइनस आपको बताया था कैसे लगाते हैं, जब भी दो बीमी आकृति आता है तो ऐसे में हमेशा क्या दिया रहता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया रहता है तो समझना क्या है, द्विबीमी आकृति के बारे में आपसे बात कर रहा है दोस्तों। जब सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल को लगाते हैं कैसे हैं दोस्तों, देखना यहाँ पर जब क्षेत्रफल ने पूछा रहा तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैंने पुनः यहाँ पर अगला सवाल लिखा, देखो उस अगला सवाल में मैंने यहाँ पर पूरा किया। और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में तो आप लगाओगे कैसे, द्विबीमी में हमेशा क्षेत्रफल के बारे में पूछता है, इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। जब सवाल आते हैं तो इसी प्रकार लगाएंगे, आपको इसमें घबराना नहीं है आपको दोस्तों। जैसे दिया एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई ना, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें क्षेत्रफल शब्द जोड़ा रहेगा। तो इसमें प्रतिशत की जब वृद्धि पूछेगा दोस्तों तो यहाँ करना क्या, प्लस है ना, देखो यहाँ पर प्लस कौन था, 17वां सवाल है, 17वां सवाल को देखो, प्लस 5 फिर कितने परसेंट बढ़ाया गया, 10, प्लस माइनस 5 गुणे 10 अब बटा में 100। इसी को आपको हल करना है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, देखो इसे काटोगे तो यहाँ कितना जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी 15.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसमें, उसके क्षेत्रफल में दोस्तों, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 15.5% की। उसी प्रकार 18वां सवाल लगाएंगे आप लोग दोस्तों। 18वां सवाल देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हुई, जबकि चौड़ाई में 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखो वही हो गया ना पूरा, देखो जब लगाएंगे दोस्तों पहले क्या किया है, 20% बढ़ाया है तो प्लस 20, अब फिर क्या किया है, 10% घटाया है तो माइनस 10, यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे 20, यहाँ पर ये माइनस हो गया, अब बटा में 100। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस है 2, यानी कितना है कि 8% की वृद्धि हो। अभी इस सवाल को मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे 19वां सवाल आपका दिया हुआ है, 19वां सवाल देखिएगा, 19वें आप लोग को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना जो 19वां सवाल दिया आपका। अगर कॉल एग्जाम में एक वर्ग की भुजा, भुजा तो एक ही होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई सेम होता है भुजा में, जानते हैं कि नहीं, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। जब एक बार, वर्ग तो एक ही होता है लेकिन उसको दो बार करके क्षेत्रफल निकालते हैं, इसी शब्द को दो बार यूज करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, ध्यान समझना, जैसे हमारा 19 है तो वर्ग की भुजा में किसे क्या करेंगे, कितना परसेंट बढ़ाया गया, 25, तो इसे दो बार लिखेंगे, 25 + 25 + 25 × 25, यानी कि x का भी मान यही होगा और y का भी मान यही होगा, फिर इस पर आप लगा देंगे आपका वही आंसर हो जाएगा। देखो 25 25 50, अब प्लस 25 × 25 में 625, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखो कितना जाएगा, 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसमें, आप उसके क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। आप इस सवाल को उस पर ना लगाने लग जाना कि क्या आ जाएगा, 25% हो गया चलो ठीक है, फिर 100 बढ़ाया तो 125 × 100 कर देते हैं, फिर 25 × 5 = 125, 20 × 5 = 100, चलो 20 इसका आंसर हो गया, ये आपका नंबर लेकर कट जाएगा और आपको माइनस मार्किंग में लेकर चल जाएगा 0.25 में माइनस, और आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो आप उसको इस तरह लगाना दोस्तों, ठीक है, आप गलती ये ना करिए कि इस पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, इस पर आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब टू डायमेंशन आएगा
टू डायमेंशन में कौन कौन आता है देख लो, मैं बता देता हूं, आयत आ गया, वर्ग आ गया, और आपका गोला आ गया, और आपका वृत्त आ गया, ये सब क्या होते हैं, और एक समांतर चतुर्भुज आ गया, ये सब क्या आते हैं, टू डायमेंशन में आते हैं। जब ये सवाल आते हैं तो आप जानते हैं वृत्त में केवल त्रिज्या देता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर, तो दो बार आर का यूज किया ना, तो व्यास दिया रहेगा चाहे त्रिज्या दिया रहेगा तो उसे दो बार यूज करेंगे, पार्क की लंबाई दिया रहेगा और वर्गाकार रहेगा तो उसको भी दो बार यूज करेंगे। देखो आगे सवाल है, मैं बताता हूँ सवाल को, देखो यहाँ पर जैसे 20वां सवाल आपका क्या दिया है, 20 सवाल नंबर देखो 20 में क्या दिया है, दिया है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोनों बार बढ़ाए जा रहे हैं तो ये जान रहे हैं कि 20वां सवाल का आपका जो हल होगा, पहले कितना परसेंट बढ़ाया गया 8, फिर 12 प्लस 8 गुणे 12 बटा में 100, 12 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, आज देखो 12 8 है कितना 96, दो अंक पर दशमलव लग जाएगा अर्थात 20.96% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये आपका 20वां सवाल का आंसर। 21वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखो 21वां भी इसी तरह लगाओगे आप, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, वृद्धि हो गई, चलो भैया प्लस लिखो ठीक, और ऊंचाई में 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई तो -10, अब प्लस माइनस यहाँ पर देखो 25 गुणे -10 अब बटा में 100, देखो इसे 15 25 में 10 जाए कितना बचेगा 15, यहाँ देखो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 10 से 10 कट गया, 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.2, यानी कि 12.5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ये आपका 21वां सवाल का आंसर है, लेकिन 22 23 24 25 सब सेम सवाल है, और अभी मैंने जो आपका 19वां सवाल बताया है उसी के आधार पर इसको आप लोग लगा लेंगे, क्या मैं छोड़ दूं आप लोग लगा लेंगे, चलिए आपको लगा देता हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं आंसर मिला लेना, सेम कंडीशन, अगर एक बार दिया है तो आपको मैं अभी बता देता हूं, अगर ऐसे सवाल आए तो एक सूत्र और लिख लो, किसके लिए, किस सवालों के लिए, 19 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए और 25 के लिए, इन पांचों के लिए एक और ट्रिक मैं बताता हूं, उस ट्रिक पर आप लिखना, करना क्या देखना ध्यान से, अगर वृद्धि दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, तो प्लस 2x ध्यान देखना प्लस x स्क्वायर बटा में 100 इस सूत्र का प्रयोग कर लेना, लेकिन जब कमी दिया रहे तो क्या करना माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100 इस सूत्र का प्रयोग कर लेना, आपका ये सीधा आंसर आ जाएगा, चाहे जिस पर मैंने बताया उसी पर लगा लोगे तब भी आ जाएगा। देखो 22वां सवाल क्या किया है, एक वृत्त दे दिया, वृत्त टू डायमेंशन होता है कि परिधि में 5% की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो इस पर लगा लो, वृद्धि हुई 2 गुणे एक्स की वैल्यू कितना 5 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटा में 100, देखो यहाँ पर 5 × 10 यहाँ पर भाग दोगे तो 0.25 आएगा अर्थात 10.25% की वृद्धि हो गई। आप देखो 23वां सवाल लगा लो, कह रहा है एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास 15% की कमी की गई, कमी के लिए इसको लगाओ, जब कमी के लिए इसको लगाओ कमी परसेंटेज के लिए तो -2 गुणे कितना कमी 15 और प्लस 15 का स्क्वायर बटा में 100, देखिए यहाँ पर माइनस 15 × 30 यहाँ देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225 100 का भाग देंगे तो -30 और प्लस भाग देंगे तो 2.25 आएगा और घटा दोगे तो कितना जाएगा 27.75 यही आएगा क्या देख लेना 27 देखो यहाँ 30 में से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.25 को घटाएंगे तो 5 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 में से 7 यानी 27.5% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। जब कमी दिया रहेगा ऐसे सवाल में तो कमी होगा, वृद्धि दिया रहेगा तो वृद्धि होगा। सेम कंडीशन आप इसी तरह से 24 और 25 लगाओ दोस्तों,
24 और 25 भी देखो इसी पर लगाना है। देखो आपको मैंने तरीका बता दिया, आप उसे एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। 24 का देखो क्या होगा, एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के लिए इस सवाल को लगाओ, 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100, अब बटन दो 10 × 20, ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 21% की वृद्धि। और इसी तरह से 25वां सवाल लगा लेना दोस्तों, एक ठोस गोला को 20% बढ़ गया, जब 20% बढ़ गया तो 20 × 40, यहाँ पर 20 का वर्ग 400 बटा में 100, 200 से काटेंगे तो कितना 44% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। कितनी वृद्धि? 44% की वृद्धि। लेकिन त्रिविमीय जब आता है तो उसी में इन सब का आयतन पूछता है। जब आयतन आएगा तो उसमें बेलन आएगा, शंकु आएगा। मैं आपको द्विविमी आप समझ गए, द्विविमी में कौन कौन, आयत, वर्ग, वृत्त, ठोस, और ठोस क्या होता है, त्रिविमी में भी आता है तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे गोला है तो गोला भी उसमें आएगा, तो लेकिन हम त्रिविमी में, द्विविमी में जब भी आएगा तो आपको क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों। इस तरह से मैं आपको क्लास मैथ का इतना ही रहने देता हूं दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट से जाकर आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों। जय हिंद।